ये फिल्म आम फिल्मों की तुलना में थोड़ी अलग है। इस फिल्म की कहानी रियल वर्ल्ड से ज्यादा गेमिंग वर्ल्ड में चलती है। इस फिल्म को डायरेक्ट करना और दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना बहुत ही बड़ा चैलेंज था, जिसे इस फिल्म के डायरेक्टर शॉन लेवी ने बखूबी निभाया है। फ्री गाय साल 2021 में आई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसमें रायन रेनॉल्ड्स, जोडी कॉमर और जो कीरी ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का कुल बजट लगभग 100 मिलियन के आसपास था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 328 मिलियन से ज्यादा की कमाई की थी। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक वॉइस ओवर से, जिसमें हमें एक सिटी के बारे में बताया जाता है। उस सिटी का नाम फ्री सिटी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस सिटी में दो तरह के लोग रहते हैं, एक वो जो गॉगल्स पहनते हैं और एक वो जो कि नॉर्मल हमारे फिल्म के हीरो गाय की तरह रहते हैं। गाय इस फिल्म का हीरो है, जो कि एक बैंक में जॉब करता है। फिल्म में हम देखते हैं कि गाय रोज की तरह ही सुबह उठता है, अपनी गोल्डफिश गोल्डी से बात करता है और फिर तैयार होने चला जाता है। गाय एक बैंक में जॉब करता है, रोज की तरह ही वो अपनी जॉब पर जाते हुए अपनी पसंदीदा कॉफी पीता है। रोज की तरह ही वो उन सब लोगों से मिलता है जो हमारे हीरो गाय की तरह ही एक एनपीसी है। गाय की रोज की जिंदगी का यही शेड्यूल है, जिसमें वो रोज एक ही काम करता है। ऐसे ही एक दिन गाय अपने डेली शेड्यूल की तरह ही काम पर जा रहा होता है। उसके साथ उसका दोस्त बड़ी भी होता है। बड़ी गाय से पूछता है कि तुम आखिर जिंदगी में क्या चाहते हो। गाय बोलता है कि जिस दिन उसकी जिंदगी में कोई लड़की या उसका प्यार आ जाएगा, उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। मैं आपको फ्री सिटी के बारे में एक बात बताना भूल गया था कि ये एक ऐसी सिटी है जहां आए दिन गोलीबारी, लड़ाई वगैरह होती रहती है, और हम ये फिल्म में देखते भी हैं। गाय की तरह ही दूसरे एनपीसी के लिए ये आम बात है। बड़ी और गाय दोनों काम पर जब जा रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि गाय एक लड़की को देखता है और वो उसको देखते ही प्यार करने लगता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी फिल्म की हीरोइन है, लेकिन समस्या ये है कि वो लड़की गॉगल्स वाली है। बड़ी गाय को बोलता है कि वो गॉगल्स वाली लड़की है और तुम एक नॉर्मल एनपीसी, पर गाय नहीं मानता और उस लड़की के पीछे चलने लगता है। वो लड़की एक रेलवे लाइन क्रॉस करके खड़ी होती है। गाय उसको आवाज देकर रोकना चाहता है, पर तभी हम देखते हैं कि एक ट्रेन आती है और गाय को उड़ाकर चली जाती है। और यहाँ पर हम इस फिल्म के सस्पेंस को देखते हैं। दरअसल ये एक गेम होता है जिसका नाम फ्री सिटी है, और वो लड़की मोलोटोव गर्ल गेम में एक ऑनलाइन प्लेयर है। जैसे कि हमने आपको फिल्म की शुरुआत में बताया था कि फ्री सिटी में दो तरह के लोग रहते हैं, एक गॉगल वाले और दूसरे एनपीसी। गॉगल वाले लोग सब अलग अलग ऑनलाइन प्लेयर्स होते हैं जो कि आपस में खेलते हैं, जबकि एनपीसी नॉन परफॉर्मिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो कि सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जो कि ज्यादातर मारे जाते हैं ऑनलाइन प्लेयर्स के हाथों। वो लड़की जिसको गाय पसंद करता है वो मिली होती है, जो कि गाय के मरने के बाद गेम से बाहर आ जाती है। वो एक कैफे में बैठकर इस गेम को खेल रही थी। मिली इस गेम की डिजाइनर भी होती है, जो दरअसल गेम में कुछ ढूंढ रही होती है। गाय इस गेम का वो एनपीसी कैरेक्टर है जिसका काम सिर्फ डेली बैंक लूटते हुए देखना है। गेम फिर वहीं से शुरू होता है और गाय डेली की तरह ही अपने काम पर जाने के लिए तैयार होता है। वो डेली की तरह ही कैफे में जाकर कॉफी का ऑर्डर करता है, लेकिन आज वो कैपेचिनो ऑर्डर करता है, जिसको देखकर बाकी के सारे एनपीसी कैरेक्टर्स बहुत हैरान होते हैं। यहाँ तक कि कॉफी देने वाली लड़की भी हैरान हो जाती है। गाय पीछे मुड़ के देखता है और उनसे बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। अब गाय डेली की तरह बैंक में होता है, जहाँ कोई गॉगल वाला प्लेयर उसको लूटने आता है। पर गाय आज उसी लड़की को बाहर देख लेता है। वो उससे बात करने के लिए तड़पने लगता है, क्योंकि वो उसको पसंद करता है। इसीलिए वो उठकर बैंक लूटने वाले प्लेयर से थोड़ी देर के लिए उसका गॉगल मांगता है। वो अपना गॉगल देने से मना कर देता है। वो दोनों हाथापाई करने लगते हैं और गॉगल छीनते वक्त गाय के हाथ से गोली चल जाती है और वो प्लेयर मारा जाता है। गाय का दोस्त बड़ी उसको ये सब करने से रोकता है, पर गाय उस लड़की से प्यार करने लगा है और वो अब कुछ भी करने को तैयार है। गाय वो गॉगल पहन लेता है, और जैसे ही वो गॉगल पहनता है उसे सब कुछ एक गेम जैसा दिखने लगता है। वो ये गेम देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि गाय अपने इस दुनिया को रियल मानता था। उसको नहीं पता था कि वो सिर्फ एक गेम का किरदार है, जिसको एक नॉर्मल सी कमांड के अनुसार डेली एक ही काम करना होता है। गाय बैंक से बाहर आता है और अलग अलग चीजों को देखने लगता है, जैसे कि मेडिकल किट और कैश, जैसा हर गेम में होता है। वो तभी एक मरे हुए ऑनलाइन प्लेयर का कैश ले लेता है, और जब वो उसका अकाउंट चेक करता है तो वो देखता है कि वो पैसे उसके बैंक अकाउंट में जमा हो गए हैं। अब गाय एक दुकान से अपने फेवरेट शूज खरीदता है, जो कि वो इसलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसके पास पैसे कम थे, पर अब उसके पास पैसे थे। अब हमें फिल्म में रियल वर्ल्ड में एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसका नाम की है, और वो इस गेम की कंपनी में काम करता है। वो देखता है कि गेम में कुछ प्रॉब्लम है और एक गाय नाम का आदमी अलग कमांड पर चल रहा है।
वो अपने दोस्त माउजर को ही बताता है। माउजर किसे बोलता है कि हम दोनों गेम में जाके इसको मार देंगे, जिसके बाद ये अपने आप ठीक काम करने लगेगा। की मान जाता है। ये दोनों अपना अपना अवतार चुनके गेम में वहीं चले जाते हैं जहां पर गाय है। की पुलिस के अवतार में होता है, जबकि माउजर एक रैबिट अवतार में। इन दोनों को अभी भी ये नहीं पता होता कि गाय एक एनपीसी है। ये दोनों यही सोच रहे होते हैं कि ये कोई हैकर है जो एनपीसी के कोड से छेड़खानी करके खेल रहा है। ये गाय से बात करते हैं ये समझकर कि इनकी बात वो हैकर सुन रहा होगा, पर गाय असली एनपीसी होता है, इसीलिए उसको कुछ समझ नहीं आता। ये दोनों गाय पर हमला कर देते हैं। गाय इनसे बचता हुआ एक बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, जहां उसके गॉगल की एक पावर उसको बचा लेती है। वो बहुत खुश होता है, पर तभी की और माउजर उसको गाड़ी से उड़ा देते हैं और ये दोनों सोचते हैं कि हमने उस प्लेयर को मार के गेम से आउट कर दिया। की थोड़ा अभी भी परेशान था कि अचानक गेम में ऐसा क्या हो गया था। अब हम देखते हैं कि मिली एक इंटरव्यू देख रही होती है। दरअसल में फ्री सिटी पूरा गेम मिली और की ने डिजाइन किया था, जिसको सुनामी नाम की कंपनी ने स्पॉन्सर किया था, पर उस कंपनी ने इनका गेमिंग कोड चुरा लिया था और इन्हें क्रेडिट तक नहीं दिया था, जिसकी वजह से मिली नाराज होती है और उसने इस कंपनी पर केस भी किया होता है। जिसके बाद फिल्म में हम आगे देखते हैं कि गाय हर रोज की तरह सुबह उठता है, पर आज वो नॉर्मल ब्लू शर्ट पहनने के बजाय ब्लू टी शर्ट पहन लेता है। मिली फिर से गेम खेलने लगती है। उसने जहाँ पर लास्ट गेम खत्म किया था वो वहीं से स्टार्ट करती है। दरअसल वो गेम में अपना कोड ढूंढ रही होती है ताकि वो सुनामी को केस में हरा सके। वो एक सीक्रेट लोकेशन देख रही होती है, तभी वहाँ पर अचानक से गाय आ जाता है और वो उस पर हमला करती है। पर गाय उसको याद दिलाता है कि वो दोनों मिले थे, लेकिन मिली ने तो उसको एक एनपीसी समझकर इग्नोर कर दिया था। तभी उन्हें दुश्मन देख लेते हैं जो उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। मिली एक पोर्टल खोलकर वहां से चली जाती है। गाय भी उस पोर्टल से उसके पीछे चला जाता है। मिली उस पोर्टल से अपने हाइडआउट पर आ जाती है, जहां वो अपने एडवांस हथियार छुपा कर रखती थी। गाय वो सब देखकर हैरान हो जाता है। मिली गाय को बोलती है कि तुम बहुत अजीब हो, क्योंकि मिली उसको कोई ऑनलाइन प्लेयर समझ रही थी। वो गाय को बोलती है कि तुम्हारा लेवल अभी भी बहुत कम है, जो कि सिर्फ 1 है, और मेरा लेवल 145 है। पहले मेरे लेवल के पास आओ, फिर हम बात करेंगे। गाय उससे पूछता है कि वो अपना लेवल अप कैसे कर सकता है। मिली उसको बताती है कि तुम जाओ फ्री सिटी में लूट मार करो, एनपीसीज को मारो, गन चुराओ, कैश चुराओ और तुम्हारा लेवल अप होना शुरू हो जाएगा। गाय उसको बोलता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत रियल होता है। अब हम देखते हैं कि गाय अपना लेवल बढ़ाना शुरू कर देता है। वो लड़ते हुए लोगों को रोकता था, एनपीसी को बचाता था और दूसरे लोग जब लूटते थे तो वो उनको लूटता था, जिसकी वजह से उसका लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। अब गाय बाहर वर्ल्ड में भी बहुत तेजी से फेमस होने लगता है। सब लोग उसके फैन बनने लगते हैं कि एक एनपीसी अवतार का प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है और अपना लेवल बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, और वो भी कैसे, दूसरे एनपीसी की हेल्प करके। अब गाय अपने दोस्त बड़ी से मिलने आता है। बड़ी गाय को देखकर हैरान हो जाता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एक प्लेयर बैंक को लूटने के लिए उस पर अटैक कर देता है। गाय उसका चश्मा लेके अपने दोस्त बड़ी को दे देता है और उसको बोलता है कि इसको पहनो और तुम्हारी दुनिया एकदम से बदल जाएगी, लेकिन बड़ी उस चश्मे को पहनने से मना कर देता है, जिस पर गाय बोलता है कि ये तुमको जब भी चाहिए होगा तुम उससे ले लेना। उस ऑनलाइन प्लेयर के साथ एक लड़की होती है जो कि एक एनपीसी होती है। गाय उसे बोलता है कि तुम इस ढक्कन से बेटर डिजर्व करती हो। वो लड़की बोलती है कि क्या पॉसिबल है, जिस पर गाय बोलता है कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अब हम देखते हैं कि मिली की से एक लेवल को पार करने के लिए हेल्प मांगती है, क्योंकि डेवलपर्स के पास चीट कोड्स होते हैं जिससे वो हर लेवल आसानी से पार कर लेते हैं। मिली उसी घर में जाती है जहाँ से वो एक कोड लेती है, पर वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं। पर तभी वहाँ पर गाय एक बाइक पर हीरो की तरह एंट्री करता है और मिली और गाय उनसे लड़ने लगते हैं। मिली जब गाय से बात कर रही होती है तब की उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो, क्योंकि उस टाइम उस लोकेशन पर मिली के अलावा कोई और ऑनलाइन प्लेयर होता ही नहीं है। अब गाय और मिली वहां से बचकर चले जाते हैं। की हैरान होता है कि मिली उस लेवल को कैसे पार कर गई, क्योंकि वो लेवल बहुत ही हार्ड डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट सीन में हम सुनामी के ओनर एंटोइन को देखते हैं, जो कि माउजर से पूछता है कि ये ब्लू शर्ट वाला गाय कौन है। वो बोलता है कि हम उसको जल्दी डिलीट कर देंगे। दरअसल ये सब अभी भी यही समझ रहे होते हैं कि कोई हैकर है जिसने एक एनपीसी को हैक कर लिया है और इस गेम को खेल रहा है, लेकिन एंटोय उसको डिलीट नहीं करना चाहता था, क्योंकि एंटोय एक नया गेम फ्री सिटी 2 को लॉन्च करने वाला था और उसमें वो एक गाय से मिलता जुलता कैरेक्टर डूड बनाने वाला था। कि गाय के बारे में रिसर्च करने लगता है। अब गाय मिली को अपने हाइडआउट पर लेकर जाता है, जहां मिली उसके हथियार, बाइक और कार्स देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो, जिसके बाद वो दोनों गाय की फेवरेट बबल गम आइसक्रीम खाने जाते हैं, जहां गाय मिली को किस करता है।
वहीं पर की मिली को याद दिलाता है कि उसका एआई कोड अभी भी इस गेम में प्रेजेंट है और वो दोनों खुश हो जाते हैं कि वो गाय के जरिए उसको हरा सकते हैं। पर की मिली को बताता है कि एंटोइन फ्री सिटी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें वो फ्री गाय सिटी से कोई कनेक्शन नहीं रखेगा और फ्री सिटी के सर्वर बंद कर देगा, और अगर ऐसा होता है तो गाय हमेशा के लिए मर जाएगा और कभी किसी को उसकी असलियत पता नहीं चलेगी। मिली की को बोलती है कि उसको वो उनका कोड ढूंढना ही पड़ेगा और उसको गाय को जाकर सब कुछ बताना होगा। मिली दोबारा गेम में जाती है, जहां वो गाय को उसकी असलियत के बारे में बताती है कि वो रियल वर्ल्ड में मिली नाम की एक लड़की है, जबकि वो बस इस गेम का हिस्सा है और एंटोइन इस गेम को हमेशा के लिए बंद करने जा रहा है। गाय को ये सब समझने में थोड़ा समय लगता है और वो दुखी हो जाता है। वो समंदर के किनारे जाकर बहुत दुखी होता है। गाय को इतना धक्का लगता है कि वो हर एक एनपीसी को उसकी असलियत बताने लगता है कि तुम असली नहीं हो बल्कि तुम सब एक प्रोग्राम हो। गाय अपने दोस्त बड़ी के घर जाता है, जहां वो उसको सब कुछ बता देता है कि वो सब असली नहीं है और ये बस एक प्रोग्राम है। बड़ी उससे बोलता है कि उसको नहीं पता कि क्या असली है और क्या नकली, पर हमारी दोस्ती असली है और जो हम ये मोमेंट शेयर कर रहे हैं ये असली है। दरअसल बड़ी को सिर्फ उस बैंक में होना डिजाइन किया गया था। अब गाय बड़ी को लेके एक घर में जाता है, जहाँ एक ऑनलाइन प्लेयर होता है। वो गाय को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि अब सब गाय के फैन बन चुके थे। वो गाय को मिली और की का कोड देता है और फिर गाय और बड़ी वहां से चले जाते हैं। रियल वर्ल्ड में सब जानने को बेताब है कि आखिर ये गाय कैरेक्टर कौन खेल रहा है। की एंटोइन को बताता है कि हम इस गाय कैरेक्टर को डिलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कोई प्लेयर नहीं है बल्कि एक एआई है। उधर गाय जाके मिली को वो कोड दे देता है जिसके लिए वो बार बार गेम खेल रही होती है। मिली वो कोड रन करती है तो स्क्रीन पर एक आइलैंड को देखती है। गाय उसको बताता है कि उसने वो आइलैंड देखा है। दरअसल जब गाय नाराज था तो सी के पास चला गया था, वहीं उसने वो आइलैंड देखा था। तभी हम देखते हैं कि गेम अचानक से अपने आप रिबूट होने लगता है क्योंकि एंटोइन नहीं चाहता था कि ये सब रियल दुनिया के सामने आए। अब हम गाय को फिर से वही सब कुछ करते हुए देखते हैं जिसके लिए उसको प्रोग्राम किया गया था। उधर मिली की को बोलती है कि सब कुछ खत्म हो गया है, गाय की मेमोरी इस रिबूट की वजह से इरेज हो गई है। जिस पर की उसको बोलता है कि गाय तुम्हारे कॉन्टेक्ट में आने की वजह से सोचने के काबिल बना था और तुम फिर से उसको सब कुछ याद दिला सकती हो। मिली वापस गेम में चली जाती है और वो गाय को सब कुछ याद दिलाने लगती है। वो उसको गॉगल भी पहनाती है जिसको देखकर गाय हैरान हो जाता है, पर उसको कुछ भी याद नहीं आता। मिली गाय को किस कर देती है जिससे उसको अब सब कुछ याद आ जाता है। अब मिली की से गेम में ही बात कर रही होती है। वो बोलती है कि हमको गाय को छुपा कर रखना होगा, पर की बोलता है कि हमें उसके लिए एक अलग सिटी डिजाइन करनी होगी जिसको सुनामी की नजरों से छुपाना आसान नहीं होगा। गाय उसको बोलता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गाय शहर के सभी एनपीसीज को ये बता रहा होता है कि उनको जो मन हो वो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो वही काम करें जिसके लिए उनको डिजाइन किया गया है। शुरुआत में तो एनपीसीज बात मानने से मना कर देते हैं पर बाद में वो मान जाते हैं। अब जब सब ऑनलाइन प्लेयर गेम खेलने आते हैं तो उन्हें शहर में एक भी एनपीसी नहीं दिखते, जैसे मानो कि पूरा शहर स्ट्राइक पर चला गया हो। एंटोइन को पता चल जाता है कि गाय की मदद मिली कर रही है। वो माउजर को उसको डिलीट करने के लिए बोलता है। अब गाय और मिली वहीं उस आइलैंड को ढूंढने जा रहे होते हैं और माउजर उन्हें मारने के पीछे पड़ जाता है। मिली की से हेल्प मांगती है तो वो उनकी हेल्प करके उनको बचा लेता है। माउजर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि कौन यहाँ से उनकी मदद कर रहा है। सुनामी की सिक्योरिटी की को पकड़ लेती है। उधर गाय और मिली आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए एक ब्रिज की जरूरत है जिसको की डिजाइन कर देता है। अब एंटोइन सारे प्लेयर्स को डिलीट करने का फैसला करता है। मिली डिलीट होते होते गाय को बोलकर जाती है कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। सब ऑनलाइन प्लेयर डिलीट हो जाते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग ऑन होती है। उधर एंटोइन डूट को अपलोड करने का ऑर्डर देता है, जो कि गाय को रोकने के लिए फ्री सिटी में आता है। वो दरअसल गाय का ही बॉडी बिल्डिंग वाला वर्जन होता है। वो गाय को मारने की कोशिश करता है और तभी वहां पर बड़ी आ जाता है, जो डूट को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है कि जैसे मैं गाय का बड़ी हूं वैसे ही मैं तुम्हारा भी बड़ी हूं। पर डूट बड़ी और गाय को मारने लगता है। डूट जब गाय को डेथ पंच मारने वाला होता है तभी गाय अपने गॉगल से कैप्टन अमेरिका की शील्ड यूज करके बच जाता है। पूरी दुनिया इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख रही होती है और वो चाहते हैं कि गाय डूट को हरा दे। यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करने वाले क्रिस एवांस भी ये देखते हैं और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो हल्का पंच और बहुत सारे हथियार इस्तेमाल करता है और आखिरी में वो डूट को गॉगल पहना देता है, जिससे कि डूट शांत हो जाता है
और गाय उस ब्रिज से उस आइलैंड तक पहुंच जाता है। बडी भी उसके साथ होता है। एंटोइन ये सब देखकर चिल्लाने लगता है। उसको पता है कि वो हार रहा है, इसीलिए वो सर्वस डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन लेता है। उधर गाय देखता है कि धीरे धीरे उसके पीछे सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगा है, यहाँ तक कि उसका दोस्त बडी भी। पर बडी जाते जाते उससे बोलता है कि तुम्हें वहां पर पहुंचना होगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिसके बाद गाय उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। पूरी दुनिया ये देखती है। एंटोइन आखिरी सर्वर डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है कि तभी सर्वर रूम में मिली आ जाती है, जो उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो उसको बोलती है कि वो अपना केस वापस ले लेगी, लेकिन उसको गाय को छोड़ना होगा और एंटोइन मान जाता है। उधर की मिली को बोलता है कि गाय दरअसल में उसकी रचना था और वो जैसे मिली के बारे में सोचता था, गाय वही सेम उसके बारे में सोचता था। अब हम देखते हैं कि की और मिली के गेम को सब खेलना शुरू कर देते हैं और सुनामी का फ्री सिटी 2 फेल हो जाता है। गाय और बाकी एनपीसीज अब फ्री सिटी में आराम से रहते हैं और वो सब काम करते हैं जो कि उनका मन करता है। डोट भी उनके साथ ही रहता है। गाय अपने दोस्त बड़ी को याद करके दुखी हो रहा होता है और तभी अचानक से बड़ी उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। और इन दोनों की खुशी और दोस्ती के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि फ्री गाय की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।